नोएडा निवासी एक किशोर अपने बीमार पिता को लेकर दिन भर अस्पतालों के चक्कर काटता रहा, लेकिन उसे कहीं भी भर्ती नहीं किया गया। आखिरकार उसे अस्पताल के बाहर अपने बीमार पिता व मां के साथ ही रात बितानी पड़ी। बताया जा रहा है कि अरविंद मौर्य नोएडा में अपने परिवार के साथ रहते हैं, उन्हें टीबी की शिकायत है। शनिवार को उन्होंने नोएडा के अस्पताल में कोरोना की RT-PCR जाँच कराई तो वो नेगेटिव पाई गई। इस पर डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली के मेहरौली टीबी हॉस्पिटल भेज दिया। बेटा विशाल अपनी मां के साथ उन्हें लेकर टीबी अस्पताल पहुंचा तो उन्हें यहां ये कहकर भर्ती नहीं किया गया कि उनकी सांसें फूल रही हैं, उनमें कोरोना के लक्षण हैं, इसलिए उन्हें कोविड अस्पताल ले जाएं। इस पर विशाल उन्हें लेकर LNJP अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां अस्पताल के अंदर उन्हें घुसने ही नहीं दिया गया। बताया गया है कि बेड नहीं है। इसके बाद विशाल पिता और माँ के साथ फिर से मेहरौली के टीबी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से पिता को भर्ती करने की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें भर्ती नहीं किया गया। आखिरकार पूरा परिवार रात भर इलाज का इंतजार करता रहा। नीचे जो हमारे मकान मालिक है चक्कर दी जाएगी, आप मैंने सजेस्ट किया था चक्कर दी गए थे तो वो दिया था ऑक्सीजन दिया था उन्होंने 45% का। और फिलहाल दिल्ली स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जाने से पहले आपसे एक बार फिर से हम अपील करते हैं कि मास्क ज़रूर लगाएं और अपने हाथों को लगातार सैनिटाइज भी करते रहें, क्योंकि बाहर निकलें या घर में रहें और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update.